नमस्कार साथियों, त्रिभुवन सिंह जी ने लाइव आकर कहीं शिक्षा मित्रों के लिए अहम बातें जानने के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के बारे में क्या निर्णय दिया, थर्ड बेंच का निर्णय के लिए आप हमारे वीडियो को देखें। वीडियो को लाइक बस शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। प्रकाश सिंह जी हैं। बात दरअसल ये है कि एक गहमा गहमी की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है कि आखिर शिक्षा मित्रों का क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो चक्कर लग चुके हैं दिल्ली के, और प्रयास जारी है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अब तक कोई नहीं दे पाया है, या ये कहें कि जो चीज़ ऑन पेपर हैं उनके बारे में भी कोई भी चीज़ पता नहीं चल पा रही है। आखिर कारण क्या है, समस्या क्या है, वो चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त होता है। सारे शिक्षा मित्र इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा समायोजन निरस्त हुआ है। ठीक है, मैं भी उस बात को स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन वीरेंद्र शुक्ला जी आ गए हैं। नमस्कार शुक्ला जी, शुक्ला जी को सारी बातें पता हैं, उनसे मैं शेयर भी कर चुका हूं, और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थितियों में है कि आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घट रही हैं सबके साथ में। आज भी दो घटनाएं घटी हैं उन्नाव से और बलरामपुर से। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि 21 मई 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को अपने ऑर्डर में लिखती है कि जो भी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, रजनी जी नमस्कार, जो भी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, ऐसे पदों को, ऐसे लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा, डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 21 मई 2020 और 9 जून 2020 का, और मज़े की बात देखिए कि 21 मई 2020 में ये मामला है ट्रिपल बेंच का, और इसमें जस्टिस, आदरणीय जस्टिस यू ललित जी, शांता गौर जी, विनीत सरन जी होते हैं। ट्रिपल बेंच का ऑर्डर होता है, उसमें मामला चल रहा होता है भर्ती को लेकर के, 40-45, 60-65 आदि मामले होते हैं। लेकिन उस ऑर्डर में, अंतरिम ऑर्डर में एक बात कही जाती है बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो शिक्षा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, ऐसे पदों को छेड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल यहाँ उत्पन्न ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम ऑर्डर में ट्रिपल बेंच के इस कोर्ट इस बात को टिप्पणी क्यों करी। मामला यहाँ तक बंद नहीं होता है, मामला पहुँचता है 9 जून के मामले में। 9 जून को डबल बेंच अपने अंतरिम ऑर्डर में
इस बात को दो बार लिखती है कि शिक्षा मित्र से जो सहायक अध्यापक बन गए हैं उनके पदों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सौरभ वर्मा जी नमस्कार। अब सवाल ये बनता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने, डबल बेंच ने अंतरिम ऑर्डर में ये बातें क्यों लिखी, क्या मैटर है, क्या 25 जुलाई 2017 को जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, लाइट चली गई है मेरे हिसाब से, चलिए कोई बात नहीं, 25 जुलाई 2017 को जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया, क्या उसमें कुछ विरोधाभास था या उसमें कुछ ऐसे तथ्यों को छुपा दिया गया, हटा दिया गया, या बहुत सारी बातें हैं दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। कि 2017 के बाद वही सुप्रीम कोर्ट है, वही हमारे सम्मानित जज साहब हैं, ललित जी हैं, शांता गौर हैं, विनीत सरन जी हैं, आखिर ये बात क्यों लिखते हैं, सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि उस मामले में, उस ऑर्डर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी, सवाल केवल इतना है कि आखिर उस ऑर्डर में ये बातें क्यों लिखी गई। 21 मई 2020, 9 जून 2020 ये रिट पटिशन जो थी आनंद यादव वर्सेस एंड अदर, सूबेदार सिंह एंड वर्सेस एंड अदर, मैं मानता हूं कि इन मामलों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिरकी ले रहा है, वरना सुप्रीम कोर्ट इस बात को कोड नहीं करती कि जो शिक्षा मित्र, जिन शिक्षा मित्रों का समायोजन हो गया था उनके पदों को होल्ड ना किया जाए। सवाल अब यहाँ पर एक और उत्पन्न होता है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है और एक सर्कुलर जारी होता है, उस सर्कुलर में 31,000 पदों को भरने की बात, 31,000 समथिंग पद हैं उनको भरने की बात कही जाती है, और मज़े की बात तब होती है कि 21 मई और 9 जून के आर्डर को लेकर के हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार मॉडिफिकेशन में जाती है 12 जून 2020 को। अब 12 जून 2020 को 12 जून 2020 को ये सरकार मॉडिफिकेशन में क्यों जाती है, क्यों जाती है मॉडिफिकेशन में, सवाल एक ये भी है। तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका कोई भी उत्तर कहीं से नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है इस फेसबुक के माध्यम से कि आप सभी लोग इस बात को समझें, व्यक्तिगत अगर कोई समस्या है, परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग बेहिचक बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सभी के पास में है और मैं इस चीज़ को क्लियर करने में लगा हूँ कि आखिर फिरकी कौन ले रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग पागल समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, अरे ये सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, मैं बेवकूफ़ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत से लोग होंगे जो
विरोधी होंगे या कोई अदर लोग होंगे, क्योंकि ऑनलाइन है, फेसबुक पे हैं, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, ऑन पेपर। एक श्याम मोहन यादव जी हैं और जिनके भी गलत कमेंट हैं उनको मैं ब्लॉक करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ब्लॉक करने में, लेकिन बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने होगी कि आखिर मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अंतरिम ऑर्डर में ये बात क्यों लिखी, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, मैं फिर कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश हो, हाई कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसका आदेश है, प्रमुख सचिव का आदेश है, और जो हलफनामा मॉडिफिकेशन का लगाया गया है 12 जून 2020 को, वो भी सारी चीज़ें हैं। अब श्याम मोहन यादव जी, मुझे नहीं पता कि आप क्या हैं, लेकिन अगर आप एक बार बात कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, हवा में कोई बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है श्याम मोहन जी, आपकी बातें बुरी नहीं लग रही हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, सच्चाई ये है। तो आज आप सभी के बीच आने का मकसद केवल ये था कि जो भी जिस मैटर पर काम चल रहा है उसको आप सभी के समक्ष रखा जाए। मैटर बहुत गंभीर है, प्रतिदिन आए दिन कोई ना कोई साथी हमारा जा रहा है, हृदयाघात से हो, एक्सीडेंट में हो, आज दो साथियों की मौत हुई है। कहने का मतलब ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र भारी अवसाद में है, और मैं ये वचन देता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हो, सच्चाई आकर रहेगी सामने, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस हैं इस मामले में, लिखित हैं, सरकार के हैं, कोर्ट के हैं। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम ऑर्डर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आप सभी के समक्ष रखूंगा, डंके की चोट पर रखूंगा, मुझे डर नहीं है मौत का, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, ये मामला 2.25 लाख लोगों से जुड़ा हुआ है, और आज की डेट में जो भी शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं या अवसाद से अपनी जान गंवा रहे हैं, इसका सारा श्रेय माननीय न्यायालय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। लेकिन जब तक इस मामले का दूध और पानी का पानी नहीं कर लूँगा, मैं चैन से नहीं बैठूँगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप अध्यापक नहीं हैं, और 21 मई और 9 जून को कहती है कि आप अध्यापक हैं। आखिर ये विरोधाभास बातें क्यों और कैसे, वो भी डबल बेंच, ट्रिपल बेंच और फिर डबल बेंच, मतलब ट्रिपल बेंच ये कह रही है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है मित्रों, कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द होगा। बाकी मैं आप सभी से अपील करूंगा, जिनको मेरा साथ देना है वो साथ दें,
जिनको नहीं देना है वो घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात और कि जितने भी शिक्षा मित्र हमारे साथी हैं, भाई बहन हैं, आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति का सदस्य बने। कल किसी को नहीं पता किसके साथ में क्या होगा, तो मेरा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति के साथ जुड़ें और उसका लाभ लें। ईश्वर ना करे किसी के साथ में कुछ हो। सौरभ वर्मा जी लिख रहे हैं मृतक जी, मैं सभी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं सभी के लिए लड़ रहा हूँ, मृतक शिक्षा मित्र हों या जो भी वर्तमान में हैं, मैं सभी के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन सवाल बात ये नहीं है, बात ये है कि कुछ ऐसे मामले हैं सरकार के द्वारा जिनका कोई भी क्लियर जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, और जबकि मेरी बात माननीय हाई कोर्ट में कम से कम 10 से 12 वकीलों से हुई, वो नहीं बोल पा रहे हैं, समझ रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर वकील हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं ना बता पा रहे हैं, ऐसा क्यों? एक तरफ सरकार कहती है, कोर्ट कहती है कि नहीं ये शिक्षा मित्र अध्यापक से शिक्षा मित्र हो गए। मतलब समझने वाली बात है कि 25 जुलाई 2017 को एक वीडियो वकील साहब का निकल कर आया, मैंने आप सबके समक्ष में डाला, आकाशवाणी सरकार की न्यूज़, सरकारी न्यूज़ थी, वो भी कह रही है कि जो शिक्षा मित्र से अध्यापक बन गए हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन 21 मई और 9 जून को ये बात क्यों कह दी जाती है फिर से कि जो शिक्षा मित्र से अध्यापक बन गए थे उनको छेड़ा नहीं जाएगा? मतलब जो बात आपने 17 में कही वही बात आप 2020 में कह रहे हैं, आखिर गड़बड़ कहाँ है? ये तो सरकार बताए, और नहीं बताएगी तो हम उसके लिए बैठे हैं जाने के लिए, क्योंकि सरकार खुद अपने ऑर्डर में कह रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने पत्र में इस बात को कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार शासनादेश जारी कर रही है वो भी इस बात को कह रही है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं। सवाल केवल छोटा सा कि 2017 से 2020 के बीच में जो गैप है उसको आप अगर हमारे लिए बात ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर चयन हो गया था, जिनका हो गया था, उनके पदों को नहीं छेड़ा जाएगा, तो अब आप ये बताइए कि आपने 2020 में ये बात क्यों कही 21 मई और 9 जून को? ये बहुत बड़ा सवाल है मित्रों, और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। गलती एक आदमी कर सकता है, दो कर सकते हैं, तीन लोग गलती नहीं कर सकते हैं, समझिए इस बात को। और जो हमारे विरोधी हैं फेसबुक पे वो भी यह सुन लें कि त्रिभुवन सिंह इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अंतिम दम तक, अंतिम समय तक इस मामले को लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। केवल मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। रही बात प्रूफ की, ऑन पेपर सारी चीज़ें हैं, जिसको देखना है, जिसको बात करनी है। हालांकि आज बलरामपुर, गोंडा, फर्रुखाबाद, एटा, कई ज़िलों से फ़ोन आए, सबसे बात हुई, तो सब इस बात से संतुष्ट हैं। लेकिन जो एक बात मेरे दिमाग में कौंध रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था उसको रिजर्व किया गया, एक वकील साहब आते हैं अपनी बात रखते हैं, और वही बात डिट्टो 2020 में सही साबित होती है, वही बात डिट्टो 9 जून को सही साबित होती है, और वही बात डिट्टो 12 जून को जब सुप्रीम कोर्ट सरकार जाती है मॉडिफिकेशन के लिए तो सही साबित होती है, और वही बात डिट्टो 20 सितंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जब बैठक होती है वो बात सही होती है। तो आखिर फिरकी कौन ले रहा है? मामला कहाँ गड़बड़ है?
मुझे लगता है कि आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे। खैर मैं चलता हूँ, खाना खाता हूँ, टाइम काफ़ी हो रहा है, कल मिलेंगे और जल्द ही 2 से 3 दिन बाद आप सभी के समक्ष नई चीज़ों को लेकर के, और जो भी प्रयास कर रहे हैं अभी सारी बातें गोपनीय हैं क्योंकि मैं बहुत सारी बातों को अभी उजागर नहीं करूँगा क्योंकि इस मामले में बहुत सारे जो ज्यूडिशरी के लोग हैं वो मेरे साथ में हैं, यहाँ तक कि जो पूर्व जस्टिस हैं वो हमारे साथ में हैं। कौन है क्या है अभी सारी बातें बंद हैं। मुझे पता है कि इस मामले को लेकर के आज जो मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ जिसमें जो हमारे विरोधी हैं सक्रिय हो जाएंगे, हो जाइए सक्रिय, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाइए, अब तो आर या पार का खेल होगा क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, मतलब ऑन पेपर हैं। तो ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें और जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी मैं फिर से अपील करूंगा कि आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति का सदस्य बने और आने वाले कल के लिए जो आपके पीछे हैं परिवार में, बच्चे हैं, बेटी है, माँ बाप हैं, उनको सपोर्ट करें। और शिक्षा मित्र केयर समिति ये प्रण करती है कि अंतिम समय तक आप सभी का साथ दिया जाएगा, देगी ये समिति, ये मेरा वचन है। धन्यवाद।